हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी लर्न हाउ टू टेल द टाइम, समय कैसे बताएं। इट्स 12 o'clock नाउ, अभी 12 बजे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं घड़ी में, जब छोटी और बड़ी सुई दोनों की दोनों 12 पे हो तब यह समय 12 बजे कहलाता है। इट्स 6:15, 6:15 बजे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं घड़ी में छोटी सुई 6 पर और बड़ी सुई 3 पर होगी तो 6:15 बजेंगे। इट्स 9:30, 9:30 बजे हैं। जब घड़ी की सुई छोटी सुई 9 और 10 के बीच में और बड़ी सुई 6 पर होगी तो 9:30 बजेंगे। इट्स 8:15, 8:15 बजे हैं। जब घड़ी की छोटी सुई 7 और 8 के बीच में और बड़ी सुई 9 पर होगी तो 8:15 बजेंगे। इट्स 8:10, 8 बजने में 10 मिनट है। जब घड़ी की छोटी सुई 7 और 8 के बीच में और बड़ी सुई 10 पर होगी तो 8 बजने में 10 मिनट है। इट्स 3:10, 3:10 हुए हैं। जब घड़ी की छोटी सुई 3 पर बड़ी सुई 2 पर होगी तो 3:10 हुए हैं। नोट, टाइम बताने के लिए वाक्य सदैव इट्स या इट इज से शुरू करते हैं। सेकंड, बीत चुके समय के लिए पास्ट और बचे हुए के लिए टू लगाते हैं। 15 मिनट के लिए क्वार्टर और 30 मिनट के लिए हाफ का प्रयोग किया जाता है। सम सेंटेंस रिलेटेड टू टाइम, समय से संबंधित कुछ वाक्य। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है। बी पंक्चुअल, समय के पाबंद रहो। टाइम इज मनी, समय धन है। टाइम इज इलास्टिक, समय लचीला होता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोबडी, समय और अवसर किसी का इंतजार नहीं करते।